प्यारे बच्चों, 15 अगस्त का दिन भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार का दिन है, क्योंकि हमें अंग्रेजों से आजादी मिली। आज इतना हर्ष और उल्लास का दिन है। कल एक टीवी पे छोटा सा ऐड आ रहा था, जिसको देखकर दिल में ऐसी पीड़ा भी आई और इतनी खुशी भी हुई कि आजादी क्या है। उस एड में था कि एक हस्बैंड और वाइफ एक रेस्टोरेंट में जा रहे होते हैं। अगर हमें आजादी ना मिली होती तो सीन क्या होता। तो देखा गया जो हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, एक अंग्रेज की कार आती है और टक्कर मारती है, कार रुकती है, दोनों गिर जाते हैं, कहता ब्लडी इंडियन। और वो दोनों हस्बैंड वाइफ गए थे, सामने एक रेस्टोरेंट होता है, वहां पे जाते हैं, वाइफ को लेके जाता है, एक गिलास पानी उठाता है कि अंग्रेज आकर उन दोनों को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। और होटल के बाहर लिखा था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। सीन कमबैक होता है कि दिखाते हैं कि वो लोग जा रहे हैं, रुके होटल के अंदर, गए बर्थडे मना रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है। ये कीमत अदा करी है हमारे देश के नेताओं ने। एक समय हिंदुस्तान का हर इंसान इतना गुलाम था जो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में पानी भी नहीं पी सकता था, और बाहर बोर्ड लगा होता था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। आज जो टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो सौभाग्यशाली हैं। हम सब सौभाग्यशाली कि हमें उस आजादी की लड़ाई में लड़ने का मौका नहीं मिला, सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो आजादी हमें मिली है कि आज हम इन बच्चों को देश के सर्वश्रेष्ठ पदों पे पहुंचा सकते हैं, इन्हें देश की हर वो सुख सुविधा दिला सकते हैं। तो हम सभी लोग मन से, दिल से उन सभी नेताओं का, उन क्रांतिकारियों का नमन करते हैं जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है कि आज हम अपने मन से जो चाहे वो कपड़े पहन सकते हैं, जो चाहे वो खाना खा सकते हैं, जहां चाहे वहां घूम सकते हैं। लेकिन इतना आसान ना था। तो 15 अगस्त वो दिन है जो हर हिंदुस्तानी को बताता है कि त्योहार इतनी आसानी से नहीं मिला है, इसके लिए करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी, हजारों लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, लाखों लोगों का तो नामो निशान तक नहीं पता कि क्या क्या जुर्म उन्होंने सहे। लेकिन उनका एक ही सपना था कि एक दिन ऐसा आएगा कि सभी लोग हर्ष और उल्लास के साथ खड़े होंगे, विद्यालय में जाएंगे, झंडा रोहण होगा, हमें आजादी महसूस होगी। वो उनका सपना था कि एक दिन हर बच्चा आजाद होगा। और हमारे माता पिता का सपना था कि उस आजाद हिंदुस्तान के आजाद विद्यालय हमारे बच्चे जाएंगे और हमारे देश के आजाद टीचर उनको पढ़कर एक महान नागरिक बनाएंगे। तो हम सभी उन सब क्रांतिकारियों को नमन करते हुए, टीचरों का धन्यवाद देते हुए इस दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद, जय भारत।